महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास जी, भगवा रंग बेशर्म है, किसने कहा है? भगवा रंग तो शान है, आध्यात्म की पहचान है, और केसरिया बल देने वाला यह तो वह रंग है जिसके ऊपर गर्व होना चाहिए, और बेशरम कहने वाला कोई निहायत गद्दार और बेशरम गिरा हुआ इंसान शाहरुख खान ही हो सकता है। शाहरुख खान ने कहा है भगवा रंग को बेशरम। पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन और पुतले फूके जा रहे हैं, कौन है ये मतलब पठान नाम से जो मतलब इस तरह से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और बेशरम कहा इन्होंने? भगवा रंग को बेशरम कहने वाला बॉलीवुड का शाहरुख हकला शाहरुख खान, जिसे इस भारत की जनता ने अपने सिर माथे पे चढ़ा के उसका दिमाग खराब कर दिया, और यह एक छोटी साजिश नहीं है, ध्यान से देखें तो हमारे हिंदुत्व को ललकार देने के लिए उद्देश्य से ही केवल भगवा रंग को कहा गया है कि भगवा बेशरम रंग। क्यों इन्हें अपना हरा रंग बेशरम कह सकते थे, उस रंग को बेशरम क्यों नहीं कहा? आखिर रंग बेशरम कैसे हो सकता है, चाहे कोई भी रंग हो, चाहे हरा काला नीला कोई भी हो, हर रंग के हमारे झंडे के अंदर तीन रंग मुख्यतः हैं, सफेद केसरिया और हरा, लेकिन तीनों ही रंगों को हमारे भारत में देखो सम्मान दिया गया है, तो केसरिया को ही क्यों इन्होंने मुख्यतः उंगली उठाई है? क्योंकि ये आध्यात्म का हिंदुत्व का प्रतीक है, साधु संतों का सत्य का प्रतीक है। अरे सत्य को ध्यान से देखो तो अग्नि, अग्नि को ही सबसे बड़ा सत्य कहा जाता है, क्योंकि जिस समय प्रज्वलित सूर्य होते हैं और यह अग्नि होती है, इनका रंग एक होता है, अग्नि के अंदर कुछ भी चला जाए तो स्वाहा हो जाता है, यानी सत्य वो शक्ति है, अध्यात्म वो शक्ति है, हिंदुत्व वो शक्ति है। फिर जगत के अंदर जो सितारे हैं उनके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा भरोसा करती है, विश्वास करती है कि मतलब सब एक है, तो फिर ऐसा क्यों कहा इस सितारे ने? देखिए क्या बॉलीवुड के अंदर नंगपन नहीं चल रहा है? क्या बॉलीवुड के अंदर जब यह है शाहरुख जो इतने बेशरम हैं कि जो इतने गंदा पिक्चराइजेशन जिसमें दिखाया गया है कि भगवा रंग के ही अंत वस्त्र और ऊपर से भी उठा के साइडों से देखो कितना नंगापन दिखा रहे हैं, क्या ये हमारे देश में नंग नहीं परोस रहे हैं? क्या इन लोगों के ऊपर जो देश के अंदर एक प्रोटेस्ट चलना चाहिए, और इन जो बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं जो हिंदुत्व के ऊपर और जो आध्यात्म के ऊपर और जो भगवा के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप करते हैं, उन सब का बहिष्कार होना चाहिए। और पुरजोर मैं हिंदू संगठनों को पुकार के कहती हूँ कि सब एक मंच पे आ जाओ और इस पठान मूवी को लगने मत देना, किसी भी जिस भी थिएटर में लग जाए उसे बेखौफ आग लगा दीजिए। हमें ऐसे हीरोओं की, कोई भी हीरो है हिंदू बॉलीवुड के, कोई भी सितारे हो, हमें ऐसे सितारे नहीं चाहिए जो हमारे देश धर्म और संस्कृति में नंगा और बेशरमपन बेच रहे हो, हमारे धर्म को गिरा हुआ कह रहे हो। ये वहां जाए जहां इन्हें जाना है। ये तो वैसे भी शाहरुख खान उस दिन को भूल गया जब अमेरिका में जाते हुए इसकी चड्डी उतरवाई गई थी, क्या उस दिन को भूल गया ये? आज ये किस लिए यहाँ पे हिंदुस्तान में यही की रोटी खाता है और यही के लिए इतने गंदे शब्द बोलता है? साधु संत समाज से जो टकराएगा, जो भगवान से टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, और साधु संत हिंदू संगठन और हिंदू के जितने भी हैं सनातनी हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही हो रहा है, और हम हिंदुओं में इतना ये ना माने। इसने भी एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में कहा है कि हवा के झोंके से सिर्फ झाड़ियां हिलती हैं, तो हिंदुओं को इसने हवा बता दिया। अरे हवा नहीं, हम वो सुनामी, वो लावा है, वो ज्वालामुखी है जो तेरे जैसे सितारों को कब जला देंगे तुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए जो इसने ये कहा है हम इसका विरोध करते हैं, और इस फिल्म के जहां पे भी लगेगी उसका पुरजोर विरोध होगा, थिएटरों में आग तक लग जाएगी। ध्यान से सुनो, फिर हिंदुओं को कभी भी ललकारने की कोशिश मत करने, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहे वो कोई भी धर्म हो, और किसी भगवान रंग को बेशर्म कहना कितनी बड़ी बात है। तो इसमें जो साधु संत हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए कोई भी रंग, पहली बात तो प्रतीकात्मक होता है, रंगों से ये दुनिया बनी है, तो कोई भी रंग बेशरम नहीं हो सकता। किसी की भावनाओं को आहत करना एक हिंदुओं का काम नहीं होता, लेकिन अगर हमारे सत्य सनातन धर्म के ऊपर, भगवा के ऊपर अगर कोई गाली देगा
तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। सारे साधु संत समाज से मैं आह्वान, साध्वी सविता जमुना दास आह्वान करती है, सब आ जाइए और हिंदुत्व की ताकत को, भगवा की ताकत को एक बार शाहरुख को दिखा दीजिए। जितने भी फिल्मी सितारे या जितने भी विरोधी जो भगवा रंग के कर रहे हैं उनको ये समझा दीजिए। और ध्यान से सुन लेना शाहरुख खान, ये हिंदुत्व तो वो चीज है, वो चिंगारी है, तुम लोग तो मरने के बाद धरती में छुप जाते हो, लेकिन हिंदुत्व तो वो है जो मरने के बाद भी अंगारों में खेलता है, भगवा में खेलता है, धधकती हुई अग्नि में जाता है। तो हिंदू से टकराने की भूल मत करना। साधु संत समाज का आह्वान मैं दोबारा करती हूँ, हिंदू संगठनों का आह्वान करते हुए कहती हूँ, एक बार इस हकले को सबक सिखा दो, इस दीपिका पादुकोण को भी बहिष्कार करो, इन हीरो का जो हमारे सच्चे रियल हीरो हैं, वो देखो चीन में के बॉर्डर पे आज भी लड़ रहे हैं, उन्हें जा करके देखो, उन शहीदों को हम कैसे इतना गंदा इनके मुंह से सुन सकते हैं, वो भगवा में लिपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए इन सबका मैं विरोध करते हुए सबका आह्वान करती हूँ कि सब एक धरातल पर आ जाओ और इस शाहरुख खाकिले को और प्रियंका को, जिसने ये मूवी में ये पिक्चर डाला है, उसका पूर्ण बहिष्कार। और इनके लिए मैं मांग करती हूँ कि इनको गिरफ्तार किया जाए। शासन प्रशासन ध्यान से सुन लें कि हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, साधु संन्यासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि भगवा को बेशरम कहा जाए। जल्द से जल्द इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन्हें गिरफ्तार की जाए। साध्वी सविता जमुना दास गिरफ्तारी की मांग करती है और सारे साधु संत समाज का आह्वान करती है। जय हिंद, जय भारत, और भगवा मेरी शान है, भगवा मेरी जान है। जय भगवाधारी।